की बीमारी या हार्ट की जो ब्लॉकेज की बीमारी होती है, इसके लिए क्या क्या टेस्ट होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आज बताऊंगा आपको। देखिए, जो पहला टेस्ट होता है वो होता है ECG, आपने सबने सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। करना क्या होता है, पेशेंट को लिटा दिया, यहाँ पे कुछ लीड्स लगा देते हैं और एक बटन दबा दिया जाता है जिससे ग्राफ निकल आती है, और वो ग्राफ में अगर कुछ कमी आती है तो पता चल जाता है हार्ट को ऑक्सीजन की कमी है। ये ECG तभी पॉजिटिव होगी जब ऑक्सीजन की कमी होती है हार्ट को। ज़्यादातर ये देखा जाता है आदमी जब लेटा हुआ होता है तब हार्ट की ज़रूरत बहुत कम होती है। हार्ट की ज़रूरत आपको मैं बता दूं, हार्ट जब बहुत कम स्पीड में होता है, जब हम लेटे हुए होते हैं, तो हार्ट की ज़रूरत सिर्फ 10% ब्लड होता है, मतलब 100% की सप्लाई है, 90 ब्लॉक हो जाए तो भी ECG में कुछ नहीं आती है। तो अगर ECG में चेंज आती है, इसका मतलब है कि लेटे लेटे भी ऑक्सीजन की कमी है। पर ज़्यादातर आदमी को लेटे लेटे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, वो हार्ट के पेशेंट तो होते हैं, 80-90 ब्लॉक है, बट उनकी ECG नॉर्मल आ जाती है। इसलिए ECG का वैल्यू तभी लेना है जब आपको हार्ट अटैक हो और बैठे बैठे पेन होता हो, बैठे बैठे सांस फूल रहा, तब ECG की बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि हार्ट अटैक को डायग्नोज करने के लिए ECG बहुत ज़रूरी है। हालांकि जब ECG में चेंज आ जाए तो समझ के चलिए ब्लॉकेज तो पक्की है, पर अगर ECG में चेंज ना आए तो भी कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचना है कि आगे और क्या क्या टेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है चलते वक्त का ECG, इसको बोलते हैं TMT या स्ट्रेस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम लोग हार्ट के पेशेंट का ECG लगा देते हैं, फिर उनको एक बेल्ट पे खड़ा करते हैं और वो ट्रेडमिल मशीन में धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़वाते हैं और ECG लेते रहते हैं। इससे हम क्या चेक कर रहे हैं, हार्ट की स्पीड जब बढ़ती है तो हार्ट की जरूरत भी बढ़ती है, तो वो पता चल जाता है हार्ट की जरूरत बढ़ने पर भी सप्लाई हो रहा है कि नहीं। हार्ट की जरूरत है 20% जब आप चलते हैं और दौड़ते वक्त 30, तो हम लोग TMT मशीन में यूजुअली दौड़ाने का स्पीड ले जाते हैं, उसमें स्लोप डाल देते हैं, उससे पता चल जाता है हार्ट की बीमारी है या नहीं है। अगर TMT पॉजिटिव है, मतलब उसमें गड़बड़ आ गई ECG में ड्यूरिंग रनिंग या ड्यूरिंग वॉकिंग, इसका मतलब 80% तो ब्लॉकेज होगी ही होगी। और अगर TMT के बाद आदमी बोलता है, चलो TMT तो पॉजिटिव आई, अब आगे क्या, तो आगे हम लोग बोलते हैं आपको करवाना होगा CT कोरोनरी स्कैन। आगे के जमाने में होता था एंजियोग्राफी, जहाँ पे आपके अंदर एडमिट करके आपके अंदर एक तार घुसाड़ी जाती थी, वो बहुत डेंजरस टाइप का टेस्ट था और वो जरूरत नहीं होने लग गया। आजकल मेन टेस्ट हो गई है CT कोरोनरी स्कैन, आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है, तार घुसाने की जरूरत नहीं है, आप जाओ और लेटो, ऊपर से वो स्कैन करके आपको बता देंगे 2 मिनट में ब्लॉकेज कितनी है। और ये टेस्ट आजकल बहुत सारे जगह एंजियोग्राफी को रिप्लेस कर चुका है, एक्सेप्ट जो एकदम बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी करना चाहता है, बाकी जो खाली जानना चाहते हैं ब्लॉकेज कितना, उनके लिए एंजियोग्राफी की कोई रोल नहीं है। CT कोरोनरी स्कैन इज द बेस्ट टेस्ट। पिछले 20 साल में मेडिकल साइंस में जो सबसे अच्छी बात हुई है वो है स्कैन, आपके हार्ट के अंदर की ब्लॉकेज बाहर से बता दे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। एक दो और टेस्ट होती है जो हार्ट के पेशेंट को मालूम होना चाहिए, एक होता है लिपिड प्रोफाइल। वो क्या चीज है कि आपके खून में कितनी कोलेस्ट्रॉल है, कितनी ट्राइग्लिसराइड है, कितना HDL है, इससे क्या पता चलता है कि आपके ब्लॉकेज के बढ़ने के कारण है कि नहीं है। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, तो ब्लॉकेज बनने का कारण हम लोग को दिख रहा है, तो वो फैट के सप्लाई बाहर से बंद करनी पड़ेगी, और अगर जरूरत हो तो दवाई देके भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम किया जा सकता है। एक और टेस्ट होता है ब्लड शुगर, क्योंकि शुगर हार्ट की बीमारी को बढ़ावा देता है, तो शुगर भी चेक होना चाहिए हार्ट के पेशेंट्स के ब्लॉकेज की जब भी हम इन्वेस्टिगेट करें तो। और एक टेस्ट और होता है, आपने बहुत कॉमन टेस्ट आपने सुना होगा, इकोकार्डियोग्राम। ये क्या चीज है, इसमें हार्ट की पंपिंग देखी जाती है, उसमें एक मशीन में एक टेबल पे लिटा देते हैं, एक मशीन में एक प्रोब होता है और वो प्रोब को यहाँ पे लेके जाके ऐसे ऐसे घुमाते हैं, और इसमें अल्ट्रासाउंड जाती है हार्ट में और वो वापस आती है, तो उसको प्रोब पकड़ लेता है और उससे ये पता चल जाता है आपके हार्ट की अंदर की स्ट्रक्चर सब ठीक है कि नहीं, और हार्ट की पंपिंग कितनी है, इसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो ये पंपिंग में कमी हो जाती है, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं हार्ट अटैक हुआ तो कितनी बड़ी हार्ट अटैक हुई है। हार्ट की नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 60 होती है, अगर इको में कम पड़ जाए तो इसका मतलब पुराना कोई हार्ट अटैक हो चुका है या और भी कोई बीमारी हो, हार्ट में गड़बड़ है। तो ये 4-5 मोटे मोटे टेस्ट है, एक ECG, एक TMT, एक इकोकार्डियोग्राम, एक CT कोरोनरी स्कैन और लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर। ये 6 अगर आप करा लेते हैं तो आप श्योर शॉट हो जाएंगे कि हार्ट की बीमारी का हालचाल आपके अंदर क्या है, है या नहीं है, और है तो कितना खराब हो चुका है। रिपोर्ट दिखाना हो तो हम लोग हर वक्त रहेंगे, सावल की पूरे इंडिया भर में क्लिनिक है, आप कहीं पे भी जाके दिखा सकते हो, हमें आप व्हाट्सएप से भी भेज सकते हो। और ये जो टेस्ट हार्ट के ब्लॉकेज के लिए होती है, ये मैं चाहता हूँ आप हर आदमी से शेयर करिए,
और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे बता पाएंगे। बट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हार्ट की बीमारी में चेकअप्स क्या क्या करना चाहिए सारे याद रखिएगा और एक बार जरूर करवाइए। 40 साल के बाद तो हर आदमी को एक बार करा लेना चाहिए और ये सारे टेस्ट मिला के 10,000 रुपये भी खर्चा नहीं होता है, तो आप इसको जरूर करवाइए।